हेलो फ्रेंड्स, कलर्स विद कोमल की चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं व्रत में बनाए जाने वाले सिंघाड़े के आटे की पूड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। यहां हमने 3 कप सिंघाड़े का आटा ले लिया है और ये कुछ आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को हमें सिंघाड़े के आटे में मैश करते हुए मिलाना है। हमें सारे आलूओं को नहीं मिलाना है, जितने आलूओं की हमें ज़रूरत होगी हम उतने आलू आटे में मैश करेंगे। इन आलूओं को हमें अच्छी तरह से मिलाना है। यहाँ हम बिना पानी के सिर्फ आलूओं को मिला के ही आटे की डो तैयार करेंगे। अगर आप इसमें आलू कम डालना चाहते हैं तो कम आलू और 1/4 कप पानी से डो तैयार कर सकते हैं। 3 आलूओं में ही आटा पूरी तरह से बाइंड हो गया। यहाँ हमने कड़ा आटा लगाया है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद सिंघाड़े के आटे में हल्का हल्का पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आटे को नीड करना शुरू करेंगे। आटे को बिल्कुल अच्छी तरह से गूंथना है हमें। हमने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गई। अब इससे हम पूरियां बनाना शुरू करेंगे। हमें तुरंत ही पूरियां बना लेना हो, क्योंकि हम जितनी देर करेंगे आटा उतना गीला होता चला जाएगा। एक छोटी लोई ले लिया, इसे सूखे सिंघाड़े के आटे में लपेट के पूरियां बेल लिया। गैस की फ्लेम हाई रहेगी। आप देख सकते हैं मेरी पूड़ियाँ कहीं से भी कटी फटी नहीं है और मुझे पूड़ियों को बेलने में भी परेशानी नहीं हुई है और मेरी पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी फूली फूली बनी है। तो इस नवरात्रि इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये नेचुरल इंटीमेट हाइजीन वाइप्स है मेरे हाथ में, जो एवरटीन ब्रांड का है। ये कंपनी ये दावा करती है कि इस वाइप के इस्तेमाल से आपके इंटीमेट एरिया को बिल्कुल ये क्लीन रखेगी, आपको फ्रेश और क्लीन फील कराएगी, साथ ही इंटीमेट डिस्कम्फर्टनेस नहीं होगा आपको और प्रिवेंट करेगी आपको इन्फेक्शन से। अल्कोहल फ्री और पैराबिन फ्री होता है ये और आपके इंटीमेट एरिया के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अगर इस वाइप्स को आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से इसे ले सकते हैं जाके। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वाइप्स अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर परचेज करें। मेरी वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।